गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीआईपी वे ऑफ लर्निंग और आज मैं आपको बताऊंगा आपके करियर के बारे में कि आप क्लास ट्वेल्थ के बाद किस किस करियर को अपने लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप किस किस पेपर में अपने करियर को एक शेप दे सकते हैं। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मुझे बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि हम लोग करियर के बारे में कुछ बताएं, खास करके उन बच्चों के लिए जो बायो के बैकग्राउंड से हैं, इट मीन्स जो पीसीबी वाले हैं। एक्चुअली उन बच्चों को या फिर उन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो है कि उनके लिए सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस और सर्जरी बीएएमएस इस टाइप के कोर्सेस ही होते हैं जो बायो के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। और नॉर्मल तौर पर पेरेंट्स हमेशा यही समझते हैं कि बच्चा अगर पीसीबी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसको डॉक्टर बनना है, और अगर वो पीसीएम पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी पेरेंट्स को भी नहीं होती, बच्चों को भी नहीं होती कि वो सिर्फ डॉक्टर या एमबीबीएस या बीडीएस डेंटल, इन सारे ऑप्शंस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको कि आप अपने करियर के लिए यूज कर सकते हैं, अपने करियर को शेप दे सकते हैं। तो आइए, आज हमारा सेशन स्पेशली ट्वेल्थ के उन बायो के बच्चों के लिए है जो ये चाहते हैं कि एमबीबीएस या मेडिकल बैकग्राउंड के अलावा किस किस टाइप के ऑप्शंस हैं उनके करियर के लिए। तो मेरा जो आज का सेशन है इसके अकॉर्डिंगली आप देखिए, मैंने आपको जो बातें यहाँ पर लिखी है आप ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो बायो के बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे कि उनको नॉर्मल तौर पर बीडीएस के लिए यूज़ करना होता है, एक बीडीएस के लिए वो यूज़ करते हैं, एमबीबीएस है, बीडीएस है, फिजिशियन है, सर्जरी है, ये तो नॉर्मल है ही। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी बायो के बच्चों को लिया जाता है और बायो के बच्चे देख सकते हैं। तो आप ध्यान से हमारे इस नोट को पढ़िए और नीचे मैंने आपको दिखाया है कि आपके करियर चार्ट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप इस करियर चार्ट को देखिए, आफ्टर टेंथ के बाद जो है आपको ट्वेल्थ में जब आप आते हैं तो टेंथ के बाद आपको ट्वेल्थ के लिए ट्वेल्थ कॉमर्स आप लेते हैं और आर्ट्स ले सकते हैं, तो साइंस भी ले सकते हैं, साइंस लेते हैं। तो एक्चुअली में देखिए कि हमारा तो साइंस के बैकग्राउंड पे हमारा ये सेशन है, तो साइंस के बैकग्राउंड में आपके पास थ्री पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, या तो आप पीसीएमबी सारे पेपर्स को ले लें, या फिर आप पीसीबी को लेते हैं, या फिर आपके लिए होता है पीसीएम। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे करियर ऑप्शंस दिखाए हैं आपको, बीएएमएस करते हैं, एमडी करते हैं, एमडीएस करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एमएससी नॉर्मल पीएचडी के तौर पर, डीएमएलटी, इस तरह बीएससी नर्सिंग है, ये सारे ऑप्शंस हैं और इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से जानकारी दूंगा। इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एनडीए बी आर्किटेक्चर वो जा सकते हैं। तो आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने करियर के लिए इस तरह के ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके देखिएगा, इस वीडियो के इस सीट को आप एक बार पॉज करके ध्यान से देखिएगा। हमारा सेशन ट्वेल्थ सेशन के लिए, ट्वेल्थ साइंस के लिए है, तो आप इस वाले सेशन को थोड़ा पॉज करके ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। देन आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेडिकल के बैकग्राउंड के लिए किस किस टाइप के कोर्सेज आपको करने हो सकते हैं। तो आज मैं आपको एक्चुअली बायो के बच्चों के लिए स्पेशली बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको कि करना है और आप कर सकते हैं। आपके करियर की अपॉर्चुनिटीज़ में मैंने बताई है, आप कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में भी मैंने आपको बताया है जहाँ से आप इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, नंबर वन है बॉटनी, यानी बॉटनी के सेक्शन में आप नॉर्मल बैचलर डिग्री इन बॉटनी और फिर मास्टर डिग्री इन बॉटनी कर सकते हैं। इस बॉटनी के करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप रिसर्चर, टीचर, प्रोफेसर, टैक्सोनोमिस्ट, हॉर्टिकल्चर में आप जा सकते हैं, नर्सरी मैनेजर आप जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। गवर्नमेंट के जॉब में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बॉटनिस्ट की जो है वैकेंसी निकलती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ से कि आप इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेंट जेवियर्स कॉलेज, लोयला कॉलेज है, सेंट टेरेसा कॉलेज है,
इन सारे कॉलेजेस, माउंट कार्मल कॉलेज है, क्रेस्ट कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, इवन के BHU वाराणसी से आप इस तरह के कोर्सेस आप कर सकते हैं। मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री की कोर्सेस इसमें होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर टू पे। तो नंबर टू पे आपको दिखता है जूलॉजी, सेम बैकग्राउंड है जूलॉजी के लिए भी। आप जूलॉजी के लिए भी BSc और MSc की डिग्री ले सकते हैं। इसमें एक स्कोप्स होता है जियोलॉजिस्ट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी जॉब्स हैं जिसको कि आप जियोलॉजी के लिए कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे कि मैंने बॉटनी के लिए बताया, उतने सारे कॉलेजेस हैं जो जियोलॉजी के लिए आप कर सकते हैं BSc और MSc। जो थर्ड ऑप्शन आता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है, और इसके लिए ये जो पोस्ट है ये बहुत ही शानदार करियर है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट, एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही मज़ेदार टाइप का ये एक जॉब है, जिससे कि आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंट्रोलर का ये वर्क होता है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है वो चेक करता है, और उसके बाद ही वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट के लिए अप्रोप्रिएट माना जाता है। बहुत सैलरी मिलती है इसके लिए। हेल्थ सेक्टर में भी आप इसके लिए काम कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ आजकल बहुत डिमांड हो रही है, तो इस तरह के फील्ड्स जो है वो आपके लिए हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लेती है। इसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस मैंने आपको दिखे हैं, और आप इन सारे नॉर्मल कॉलेजेस के वेबसाइट पर जाकर इसके सारे जानकारी आप ले सकते हैं कि इसका एंट्रेंस टेस्ट कब होता है और कब आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्रोप्रिएट टाइम है, फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, ये साइट पे आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर ऑप्शंस है बायोकेमिस्ट्री का। ये आज के डेट में इंडिया में बहुत धूम मचा रहा है। एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री का जो ये बैकग्राउंड है, ये खास करके आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर साइंटिस्ट के तौर पर आपको जो है जॉब मिलता है। एक्चुअली जो भी बायोकेमिस्ट होते हैं वो मेनली ड्रग एनालिसिस और फॉरेंसिक साइंटिस्ट के तौर पर, बायोमेडिकल साइंटिस्ट के तौर पर अपना करियर चूज़ करते हैं। मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दिल्ली मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इन सारे कॉलेज से आप नॉर्मल डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का। गवर्नमेंट जॉब में इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की काफ़ी डिमांड है, मतलब इवन कि UPSC जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, फर्टिलाइज़र प्लांट्स में, और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, एजेंसीज़ हैं, ख़ास करके फॉरेस्ट्रीज़ में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहाँ पर इसके जॉब्स के रिक्रूटमेंट होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप नॉर्मल तौर पर इसको कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU भी इसको इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के लिए जो है वो जॉब निकालती है, वैकेंसीज निकालती है स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। ये बहुत ही मज़ेदार करियर है जेनेटिक्स का। अगर आपके अंदर कुछ चेंजेस लाने की जो है चाहत है, तो आप इस करियर को यूज कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन टाइप का करियर मुझे समझ आता है, उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेंसिक्स DNA एनालिसिस। ये मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है, जेनेटिस्ट है, फार्माकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स के तौर पर आप अपना करियर यूज कर सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत ही बेहतरीन टाइप के कोर्सेज हैं जेनेटिक्स के लिए, खास करके इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जहाँ से आप करेंगे, बेंगलोर सिटी कॉलेज है, वहाँ से भी आप जेनेटिक्स में डिग्री ले सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये अभी इंडिया में इसकी स्कोप्स थोड़े कम थे, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपको जो है कि ग्रेजुएट और रिसर्च के साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको काम करने का मौका देता है। ये एक इंजीनियरिंग है एक्चुअली बायो के बच्चों के लिए, और मैंने कुछ कॉलेजेस यहाँ पर दिए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है आपको ये सीट्स मिलते हैं, ऑल इंडिया AIMS में भी आपको ये सीट्स मिलते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी आपको सीट्स मिलते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली एंट्रेंस दे करके बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर में फिजिशियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन आज के डेट में हमारे जो करियर हैं फिजियोलॉजी के तरफ, उसमें स्पोर्ट्स के लिए आपको जो है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट जो है इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है स्पोर्ट्स के कंडीशन पे।
आप नॉर्मल फिजियोथेरेपी का खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं घर पे, और कुछ क्लिनिकल एक्सरसाइज के लिए जो आप फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, बायोमेडिकल साइंटिस्ट के तौर पर भी आप अपना, मेनली फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो अपना खुद का क्लिनिक चला सकते हैं घर पे, और ये भी आपके करियर के लिए काफ़ी बेहतरीन जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट है मरीन बायोलॉजी। ये फिशरी साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है जो बायो के बच्चे ले सकते हैं फिशरी साइंस के लिए। एक्चुअली उन बच्चों को जिसमें जो फिशरी बायोलॉजिस्ट या फिर ओशन के तरफ ज़्यादा, ओशनोग्राफी के तरफ ज़्यादा वो है इंटरेस्टेड हैं, मतलब सी साइट पे ज़्यादा जो है वर्क करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, वहाँ से आप इस तरह के कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और नेक्स्ट करियर है बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में नॉर्मल तौर पर आप जानते ही होंगे, मेडिकल ड्रग कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, इवन कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, और भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसकी काफ़ी डिमांड है। आप बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी करके नॉर्मल तौर पर किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको इजीली जॉब मिलता है। इवन कि इसका एक और बेहतरीन टाइप का करियर है मरीन बायोटेक्नोलॉजी, आप इस ब्रांच में ले सकते हैं। कॉस्मेटिक्स के इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्री के इंडस्ट्रीज, न्यूट्रिशनियस के तौर पर आप अपना करियर बना सकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है आपके करियर के लिए। नेक्स्ट है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स जो है वो इंडिया में थोड़ा सा कम है इसकी अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन अभी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। एक्चुअली बायोफिजिसिस्ट के तौर पर आप क्लिनिकल बायोफिजिस्ट के तौर पर, फॉरेंसिक बायोफिजिस्ट के तौर पर आप जो है अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और लेक्चरर और प्रोफेसर के फील्ड तो हमेशा होते ही हैं। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं, इसमें एम्स भी है, एम्स भी ये कोर्स कराती है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग AMU बोलते हैं, ये अलीगढ़ में है, ये भी ये कोर्स कराती है बायोफिजिक्स का, तो आप इसमें भी अपने करियर को शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट है बायोमेडिकल साइंस। बायोमेडिकल साइंस जो है ये भी एक बहुत ही बढ़िया और जो है आज के डेट में बहुत ही उभरता हुआ करियर का एक ऑप्शन है, जिसमें फॉरेंसिक साइंटिस्ट और टैक्सोकोलॉजिस्ट के तौर पर आप अपना काम हेल्थ केयर सेक्टर में आप एक्चुअली जो है वो आप यूज कर सकते हैं, और इंडिया में ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग जो है वो करियर के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और नॉर्मल तौर पर 10 to 15 lakhs पर एनम का जॉब मिलता है, तो समझ लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है बायोमेडिकल साइंस। और मैंने बहुत सारे इसमें कॉलेजेस दिए हैं, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट, ये मुंबई में है, और जामिया मिलिया इस्लामिया, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग VIT बोलते हैं, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और इस ऑप्शंस के लिए बच्चों को मैथ्स का भी होना ज़रूरी होता है, तो ये बायोमेडिकल साइंटिस्ट के तौर पर आप जो है अपने करियर को सेव दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों फूड और एग्रीकल्चर। ये भी आजकल बहुत ही बेहतरीन है, डेयरी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सॉयल साइंटिस्ट के तौर पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में सॉयल साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर, प्लांट साइंटिस्ट के तौर पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जॉब की भरमार है, ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जिसमें कि जॉब नहीं मिलता, बखूबी ये होना चाहिए कि आप उसको बढ़िया से कर रहे हो। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के नाम दिए हैं, आपको जितनी भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे दिख रहे हैं उसकी जानकारी इस पर्सनल वेबसाइट पे देख सकते हैं कि वो कब इंट्रेंस कराती है और क्या कराती है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने करियर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइड मेडिसिन। ये उन बच्चों के लिए है जो अपना करियर मेडिसिन में ही बनाना चाहते हैं, तो ये एक्चुअली क्लिनिकल ऑक्यूपेशन से संबंधित है, मेडिकल लैब से संबंधित है, तो एलाइड मेडिसिन का करियर जो है वो MBBS करने के बाद भी जो है बहुत सारे लोग इसको करते हैं, और कुछ लोग जो है डॉक्टर बनने के बाद भी एलाइड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं अपने PG डिग्री के लिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा सेफ और करियर है। तो देखिए मैंने बहुत सारे जो है इसमें कॉलेजेस दिए हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, सारे को पढ़िएगा ध्यान से और उसके अकॉर्डिंगली नोट डाउन भी करिएगा। नेक्स्ट है फार्मेसी। फार्मेसी
ये तो आप जानते हैं, फार्मेसी में पीसीएम और पीसीबी दोनों के बच्चे यूज कर सकते हैं इसको। आपको करियर के तौर पर बी फार्मा और एम फार्मा की डिग्री मिलती है। इसके अलावा आप पीएचडी भी कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बेहतरीन करियर होता है हेल्थ इंस्पेक्टर का। ये गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मिलते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर के तौर पर। और रेलवे जो वैकेंसीज निकालती है आरआरबी में भी, ये एक बहुत ही बेहतरीन टाइप का पोस्ट है। तो आप इस तौर पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। ड्रग टेक्नीसियन, ड्रग थेरेपिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, ड्रग इंस्पेक्टर भी आप बनते हैं इसके लिए। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है के तौर पर भी जो है आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये ड्रग इंस्पेक्टर जो है ये भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको वैकेंसीज निकलती है, जिसमें कि फार्मेसी के बच्चे फार्मेसी के बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन स्कोप है अगर आप एम फार्मा करते हैं तो। और इसके अलावा एक नॉर्मल सा स्कोप तो है ही, अगर कुछ नहीं होता है तो उन बच्चों के लिए वो खुद का मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं। इवन कि वो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, जो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके तौर पर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करने को नहीं मिलेगा। ये भी बहुत एक अच्छा करियर है, और मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के नाम नीचे लिखे हैं। आप इससे जो है उसको कर सकते हैं और अपने करियर को सेव दे सकते हैं। नेक्स्ट एक है और ये है साइकोलॉजी। ये बहुत ही बेस्ट है और मेरा फेवरेट है एक्चुअली। ये किसी भी इंसान को समझने के लिए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आप उसकी भावनाओं को बदलने तक का हिम्मत रखते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन करियर है और इसमें आप एमए और एमएससी इन साइकोलॉजी जो है वो कर सकते हैं। और एक काउंसलर के तौर पर, एक साइकेट्रिस्ट के तौर पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आपको नॉर्मल बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज, पीएचडी, एमफिल, इस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं। और एमबीबीएस के बाद भी आप साइकोलॉजी को चूज़ करते हैं, जो साइकेट्रिस्ट के तौर पर आप अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। तो आपके लिए इसके ऑप्शंस बहुत ब्रॉड हैं। और अभी इंडिया में जितनी टेंशन्स बच्चे फील कर रहे हैं और जो उनको साइकोलॉजिकली जितनी प्रॉब्लम हो रही है, उनके तौर पर आप बहुत ही बेहतरीन टाइप का करियर जो है ये आपके सामने है। और बहुत सैलरी भी मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइकेट्रिस्ट के तौर पर, साइकोलॉजी के तौर पर अपने करियर को सेव दे सकते हैं। आप देखिए वर्क एरियाज़ में, आप देखेंगे बहुत सारे वर्क एरियाज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। और इसके लिए कोर्स ड्यूरेशंस और वर्क एरियाज़ के तौर पर बहुत सारे वर्क हैं एक्चुअली। मेंटल डिसऑर्डर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इन सारे के तौर पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आपके पास बहुत सारे फील्ड हैं। मतलब मैंने आपको यहाँ पर 16 फील्ड ऐसे दिखाए हैं जो एमबीबीएस के अलावा आप कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये सोचने की ज़रूरत है कि बायोलॉजी के बच्चों को सिर्फ एमबीबीएस या फिर डॉक्टर के फील्ड में जाना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और कोई भी ऑप्शंस ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज वर्ल्ड बहुत तरक्की कर गया है और कमाल की डिमांड होती है। इवन कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोफिजिसिस्ट के तौर पर, बायोफिजिसिस्ट के कोर्सेज के तौर पर आप देखिए, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स में इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं वो बायोफिजिसिस्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। जैसे अगर कोई पेसमेकर बनाना है तो वो एक बायोफिजिसिस्ट ही वो एक पेसमेकर बना सकता है, क्योंकि वो एक बायो इंजीनियर होता है और वो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। तो डॉक्टर और इंजीनियर का कंबाइंड ये जो है करियर है बायोफिजिसिस्ट का। और देखिए कमाल का ये सब जो है मरीन बायोलॉजी, ये इंडिया में अभी धूम मचा रहा है ये करियर मरीन बायोलॉजिस्ट के तौर पर। और फिजियोलॉजी तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल है। बहुत सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इतने सारे जो करियर्स आपको मैंने बताए हैं, ये सब एमबीबीएस के अलावा ये सारे करियर्स हैं जिसमें कि बायो के बच्चे जा सकते हैं। तो मेरे बच्चों प्लीज़ आप घबराइए मत, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इन सारे करियर्स में आप जो चूज़ करना चाहते हैं चूज़ करिए, और अपने लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थोड़ा इंजीनियरिंग के बच्चों के बारे में भी देख लें, नहीं तो वो उदास हो जाएंगे। तो इंजीनियरिंग के बच्चों के बारे में अगर आप देखें तो बच्चों, इंजीनियरिंग के लिए तो आपका करियर है ही बीटेक का, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के तौर पर आप
बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, दुनिया भर के कॉलेजेस हैं, वो तो आप नॉर्मल तौर पर जानते हैं। आर्किटेक्ट के तौर पर भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। मर्चेंट ने भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार करियर है, जिसमें कि आप नेवल आर्किटेक्ट और शिप बिल्डिंग, ये इसके कोर्सेज कर सकते हैं। ये बहुत डिमांड है इसकी और बहुत पैसा भी मिलता है। बखूबी कि लोग इसको बहुत इंटरेस्ट से कर रहे हों, तब जा कर के इसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपको कमर्शियल पायलट, अगर आप प्लेन उड़ाना चाहते हैं, तो ये करियर बहुत ही शानदार है। इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कमाल की मिलती है। बहुत ही नॉमिनल से खर्चे से आप जो है कि एक जो है टेस्ट देना होता है, जिसको हम लोग पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। एक इंटरव्यू है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में अगर आप अच्छा प्लेन उड़ाना सीख जाते हैं, तो आपको जॉब की भरमार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये एक नॉर्मल सा सॉरी बैचलर ऑफ साइंस, ये एक नॉर्मल करियर है, जिसको हम लोग बीएससी कहते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट के तौर पर आप जो है कि ये करियर बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट, केमिस्ट्री लेकर के आप अपने लाइफ को आगे देख सकते हैं। और डिफेंस में अगर आप जाना चाहते हैं, तो इंडियन नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स, इन सारे के ऑप्शंस भी आपके लिए खुले हैं। रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स के ऑप्शंस भी आपको खुले हुए होते हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन टाइप का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम बोलते हैं SCRA। ये SCRA के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, ये इसमें ये 12th मैथ्स के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और ये रेलवे का एक बहुत ही बड़ा पोस्ट है, मतलब RRB जो है एक ऐसे जॉब के लिए ये बहुत ही मानी जाती है। वो एक जोन का एक मालिक हो जाता है, एक जोन का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं DRM। तो आप SCRA के करने के बाद आप जो पोस्ट आपको मिलता है, वो ADRM से मिलता है। तो ADRM के बाद आप DRM बनते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। बाकी मैनेजमेंट के फील्ड में आप जाएंगे, तो BBA और MBA, इस तरह के मैनेजमेंट के कोर्सेज। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। अगर आप म्यूज़िक, डांसिंग, BFA, MFA, सोशल वर्क करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। होटल मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा करियर है, इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर। तो जर्नलिज़म, आप देखते हैं जर्नलिज़म के तौर पर तो बहुत बड़ा करियर होता है। तो ये सारे जो है करियर को आप यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स के बच्चे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से आप अपना जो है करियर चूज़ करेंगे। और एक्चुअली हमारा ये सेशन नॉर्मली आज बायो के बच्चों के लिए था, तो मैं बायो के बच्चों से काइंडली ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब वो ये सोचना बंद कर दें कि आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन सारे ऑप्शंस को एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए। आपको बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो फिजिक्स, बायोमेडिकल साइंस, तो इन सारे जो है के तौर पर आप अपने करियर को जो है फूड एग्रीकल्चर, एलिड मेडिसिन, फार्मासी और साइकोलॉजी, ये सारे बहुत सारे करियर्स हैं। आप इसको जो है इस तरह के करियर्स को आप अपने लाइफ के लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो बच्चों, बिल्कुल मत घबराइए, आप मेहनत करते रहिए, और 100% मेहनत करने से ही आप सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आप जो भी करें, दिल से करें, मन से करें, खुश हो के करें, अपनी मर्जी से करें, और आपको जो अच्छा लगता है वही करें मेरे बच्चों। क्योंकि जब तक आप वही करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, तभी आप उस फील्ड में बहुत आगे तक जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।